नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी भी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि अभी भी सताएगी ठंड, तेज हवाओं के साथ मौसम कर सकता है परेशान। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर क्या अपडेट जारी किया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए वो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों लगातार मौसम में बदलाव आ रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड के बाद बढ़िया धूप निकली, फिर बादलों ने अपनी जगह बना ली, फिर बारिश ने सताया और अब दोबारा खिलखिलाती धूप निकलने लगी है। अब मौसम विभाग ने राज्य के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। जानकारी मिल रही है कि प्रदेश में ठंड एक बार फिर कुछ बढ़ने जा रही है, साथ ही कोहरा भी देखने को मिल सकता है। वहीं इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों लगातार पश्चिम विक्षोभ एक्टिव रहा, इस वजह से यूपी के मौसम में भी बड़ा लगातार बदलाव आ रहा है। प्रदेश में इस दौरान बारिश भी हुई और कई जगह पर ओले भी पड़े, हालांकि अभी बारिश की खास संभावना नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने और ठंडी हवाओं के चलने का असर यूपी के मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। पश्चिम विक्षोभ का असर थमने के बाद प्रदेश में बारिश भी थम गई, लेकिन ठंड और गलन बढ़ गई। अब मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम साफ रह सकता है, लेकिन हवाएं तेज चलेंगी, इससे ठंड का असर बढ़ेगा। बारिश रुकने के बाद प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट देखी गई, हालांकि अच्छी धूप निकलने से कुछ हद तक लोगों को राहत भी मिली है। इसी बीच आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही है कि बताया जा रहा है कि कल को लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दोपहर होते होते छट जाएगा। इस दौरान मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री तक जा सकता है। वहीं यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की वजह से एयर क्वालिटी में सुधार देखा गया है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि IMD के पूर्व अनुमान की माने तो प्रदेश में ठंड का असर कुछ और बढ़ेगा, कोहरा भी छाएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम के साफ रहने की बात कही है, हालांकि इस दौरान औसत से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बता दें कि पिछले दिनों आपको बता दें लगातार पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलता रहा। उत्तर प्रदेश में इस दौरान बारिश के साथ कई हिस्सों में ओले भी गिरे। अब फिलहाल बारिश की वैसी प्रबल संभावना नहीं है। उच्च पर्वतीय राज्यों में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से तेज ठंडी हवाओं का असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। पश्चिम विक्षोभ का असर थमने के बाद उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला भी थमा है, लेकिन इसके बाद राज्य में ठंड और गलन बढ़ गई है। इसके साथ ही यूपी के कुछ प्रमुख शहरों में कोहरे का प्रकोप भी बढ़ा है। मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने का पूर्व अनुमान जताते हुए प्रदेश में सामान्य से तेज हवाएं चलने की बात कही है, इससे ठंड का असर ज्यादा बढ़ सकता है। बारिश थमने के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इसके सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। विभाग ने जानकारी दी है कि आज कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर समेत कई हिस्सों में कमजोर पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम बदल सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब